अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में भारत राष्ट्र समिति के प्रवेश की दिशा तय करते हुए पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को किसानों और दलित समुदाय के विकास के तेलंगाना मॉडल को लागू करने की चुनौती दी। यह घोषणा करते हुए कि बीआरएस जो अब राज्य चुनाव आयोग के पास पंजीकृत है, पड़ोसी राज्यों में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में हर सीट से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने किसानों और बीआरएस कैंडर से पंचायत राज और जिला परिषद में अपनी ताकत दिखाने का आह्वान किया है। चुनाव जिसके बाद न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उनके दरवाजे पर दौड़ी चली आएगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कंधार लोहा में जातिवाद और धर्मवाद को अलग करने और किसानवाद किसान कल्याण को बनाए रखने के लिए एक विशाल सभा का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पहली बैठक ही है। 5 फरवरी को नांदेड़ के भोकर में बीआरएस ने महाराष्ट्र सरकार को कार्रवाई के लिए झटका दिया था, जिसने तब किसानों को 6000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी की घोषणा करने में जल्दबाजी की थी। यह गुलाबी झंडे की शक्ति है, उन्होंने कहा। इनपुट सब्सिडी को बढ़ाकर 10000 रुपए प्रति एकड़ किया जाना चाहिए, जैसा कि तेलंगाना में दिया जा रहा है। इस सहायता की घोषणा पहले क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों को हल्के में ले रही है और इसीलिए बीआरएस ने अब की बार किसान सरकार का नारा दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रश्न को याद करते हुए कि चंद्रशेखर राव का महाराष्ट्र में क्या काम था जब उन्हें तेलंगाना के मामलों की देखभाल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह भारत के नागरिक है और इस तरह उन्होंने हर राज्य में काम किया है। उन्होंने आगे फडणवीस को चुनौती दी। तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति को लागू करने, प्रति एकड़ 10000 रुपए की वित्तीय सहायता और किसानों से पूरी उपज की खरीद के अलावा 5 लाख रुपए के बीमा कवरेज को लागू करने के लिए उनकी सरकार को चुनौती दी। उन्होंने यह भी बताया है कि तेलंगाना में प्रत्येक दलित परिवार को दलित बंधु के तहत 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है और फडणवीस से कहा है कि अगर भाजपा शिवसेना सरकार ने इन सभी को योजनाओं को लागू किया है तो उन्हें फिर से महाराष्ट्र का दौरा नहीं करना पड़ेगा। आजादी के बाद 75 साल में कांग्रेस ने 54 साल और बीजेपी ने 16 साल देश पर राज किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। देखने में या महसूस करने में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टियों और नेताओं को फायदा हुआ है, लेकिन ना तो जनता को और ना ही किसान को कुछ मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह राजनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए एक मंथन सत्र है कि क्या गलत है और कहां है। यह दोहराते हुए कि भारत के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का कोई इष्टतम उपयोग नहीं हुआ है। लगभग 50,000 TMC पानी हर साल बंगाल की खाड़ी में बहता है। उन्होंने कहा है कि देश में 361 बिलियन टन कोयले का भंडार है, जिसमें 24 घंटे गुणवत्ता वाली बिजली 125 वर्षों तक आपूर्ति की जा सकती है। फिर भी किसान को कृषि के लिए पर्याप्त पानी या बिजली नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा है कि किसान सोने या चांदी की नहीं, बल्कि पानी और बिजली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्याज और गन्ने के अच्छे दाम पाने के लिए भी किसानों को सड़कों पर विरोध करने के लिए मजबूर किया जाता है। नई दिल्ली में किसानों ने 13 महीनों तक संघर्ष किया, जिनमें से 750 ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव आए तो उन्होंने किसानों से माफी मांगी। मुख्य मुद्दों को भुला दिया गया। जब भी एकता होती है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाती है, हमारा ध्यान भटकाने के लिए प्रलोभनों की बौछार की जाती है। हमें इस तरह के राजनीतिक हथकंडों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे साथ लड़ो और मैं वादा करता हूं कि हर एकड़ में पानी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा, यह याद करते हुए कि 8 साल पहले तेलंगाना महाराष्ट्र की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ था। उन्होंने कहा है कि देश का सबसे युवा राज्य देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक बन गया है। अगर तेलंगाना बदल सकता है तो मैं महाराष्ट्र क्यों नहीं बदल सकता, खासकर जब यह आर्थिक रूप से मजबूत है। उन्होंने कहा है कि कल्याण और विकास के तेलंगाना के मॉडल से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के लगभग 80 गांवों ने तेलंगाना योजनाओं को लागू करने या राज्य में विलय की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए थे। उन्होंने कहा है कि इससे चिंतित महाराष्ट्र सरकार ने इन गांवों से सरपंचों को आमंत्रित किया था उनके मुद्दों को हल करने के लिए एक बैठक के लिए। उन्होंने कहा, यही हमारी ताकत है। देश के नदियों में 75,000 TMC पानी बहता है, जिसमें से सिर्फ 19,000 TMC उठाया गया, बाकी 50,000 TMC हर साल हमारे आंखों के सामने, सारे भारत के जनता के सामने, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, आमदार, खासदारों के सामने, हमारे आंखों के सामने से गुजरते हुए बंगाल के खाड़ी में जा रहा है।
गोदावरी निकलता है महाराष्ट्र से, कृष्णा निकलता है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में कोने कोने में चप्पा चप्पे में पीने के पानी, पानी के लिए अमेरिका को सलाम करने की जरूरत नहीं है, कोई रशिया से मांगने की जरूरत नहीं है, कोई चाइना देश के पेट में मुंडी डालने की जरूरत नहीं है या किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, हमारे जनता का, हमारे देश का अपना संपत्ति है। जरूरत से ज्यादा पानी रखते हुए देश के किसान पानी से क्यों वंचित है, इस एक बात पे सोचिए, बस बात पूरा समझ में आ जाएगा। पानी नहीं है, किसी को भीख मांग रहे बात अलग है, लेकिन पानी है और पानी जरूरत से ज्यादा है। सवाल यही है कि वो पानी समंदर में ना जाते हुए जमीन पे आए और पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा कर दे या ऐसे ही हम रह जाए। क्या चाहिए, पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, पक्का? एक बात है। दूसरी बात है, पानी नहीं दे रहे, भाषण दे रहे, भाषण सुनो तो माइक पड़ जाएंगे, सुन सुन के चक्कर आके पड़ जाएंगे हम लोग। कितने झंडे, कितने नेता वोट के समय में कितना गुमराह, आज भी सभा में लोगों को नहाने देने के लिए बकरे क्यों काट रहे भाई? अच्छा एक बात है, दूसरी बात, करंट नहीं दे सकते, क्यों नहीं देते? क्यों करंट नहीं देते भाई? क्या, क्यों नहीं देते? ऐसा है, पानी तो जरूरत से ज्यादा है, इस बात का जानकारी ले ले। अगर है आपको जानकारी हो गया तो पूरे जनता को जगाइए और युद्ध कीजिए मेरे साथ में, पूरे पानी जमीन पे आ जाएगा और भरपूर, हर एकड़ को पानी मिलेगा, ये मेरा वायदा है आपके साथ। तो दूसरी बात है, बिजली, पर्याप्त बिजली, जितना चाहिए उतना बिजली देने के लिए हमारे अपने देश में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बहुत सुंदर सा प्रकृति का दिया हुआ कोयला है। और वो कोयला कितना है हमारे पास? 361 बिलियन टन। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मांग की है कि टीएसपीएससी पेपर लीक होने के पीछे कुछ बड़ी हस्तियों का हाथ है। उन्होंने चंचलगुड़ा जेल जाकर पेपर लीक आंदोलन में गिरफ्तार भाजपा नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के सभी युवा पेपर लीक होने से नाराज है। किशन रेड्डी ने पेपर लीक को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए अपनी गलती नहीं मान रही है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार हर तरह से और हर क्षेत्र में विफल रही है। उन्होंने कहा है कि युवा इस सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोग राज्य में बदलाव चाहते हैं। किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना का समाज चाहता है कि परिवार, भ्रष्टाचार, अवैधता और माफिया का राज। कांग्रेस ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ संकल्प सत्याग्रह के नाम पर देश भर में आंदोलन छेड़ रखा है। इसी के तहत तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने भी आज हैदराबाद के गांधी भवन में दीक्षा ली। इस मौके पर टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी का मतलब ब्रिटिश जनता पार्टी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अंग्रेजों की नीतियों को लागू करेगी और आज से भाजपा ब्रिटिश जनता पार्टी कहलाएगी। अमित शाह का कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना हैदराबाद को आजादी नहीं मिलती। उन्होंने पूछा है कि वल्लभ भाई पटेल का आपकी पार्टी से क्या रिश्ता है? उन्होंने टिप्पणी की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस नेता
थे और यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने कहा है कि वल्लभ भाई पटेल ने गांधी भवन की नींव भी रखी थी और अडानी कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सूरत से शुरू हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक भाजपा भी अडानी कंपनियों के साथ मिलकर देश का धन लूट रही है। उन्होंने कहा है कि राहुल ने अडानी डकैती पर संसद में मोदी से कुछ सवाल पूछे जिससे मोदी घबरा गए। अडानी कंपनी में किसने लगाया है 23,000 करोड़ रुपए? अगर अडानी के खिलाफ ईडी जांच होनी है तो मोदी चुप क्यों है? फरवरी को राहुल गांधी बोले तो उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में रुका हुआ मामला 16 को खोला गया था। उन्होंने कहा है कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में 27 फरवरी को शुरू हुई थी और राहुल गांधी को 23 मार्च को सजा सुनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन तक समय दिया था लेकिन भोर होते ही राहुल गांधी को संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने यह कहकर सरकार की आलोचना की है कि सरकार का एक इंजन अडानी और दूसरा इंजन प्रधानमंत्री है। उन्होंने शिकायत की है कि जब अडानी का इंजन मरम्मत के लिए आया तो प्रधानमंत्री का इंजन खराब हो गया था। नालगोंडा के सांसद और टीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया है कि मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा अडानी की रक्षा करना था और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सिर्फ एक लक्ष्य है। राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने की निंदा करने के लिए देशव्यापी विरोध के तहत रविवार को यहाँ गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह को संबोधित कर रहे थे। रेड्डी ने आरोप लगाया है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके गए। इस साधारण से सवाल से पीएम मोदी का बचाव करने के लिए भाजपा सरकार नाटक कर रही है। उन्होंने पूरे मामले की एक टाइमलाइन दी जो राहुल गांधी के आरोपों और सूरत की अदालत के विवादास्पद फैसले के बीच एक कड़ी की ओर इशारा करती है। मूल रूप से राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी भाषण दिया था। 3 दिन बाद भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। 3 साल बाद 7 मार्च 2022 को उन्हें अपनी शिकायत पर स्टे मिल गया। 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के बीच संबंधों पर सवाल उठते हुए राहुल गांधी के भाषण के बाद दृश्य बदल गए। 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में स्थगन के अपने अनुरोध को वापस लिया और एक पखवाड़े 27 फरवरी के भीतर निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू हो गई। फिर एक महीने में भी कम समय में 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। 24 घंटे से भी कम समय में लोकसभा सचिवालय ने उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिजली की गति स्पष्ट रूप से दिखती है कि कुछ ताकतें कांग्रेस सांसद को चुप कराने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सजा अनसुनी है और भाजपा नेताओं के खिलाफ मामलों को अत्यधिक उदारता से निपटाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपराधिक मानहानि की शिकायत उसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जानी चाहिए जिसके खिलाफ टिप्पणी की गई थी, जो यह भी साबित करे कि वे व्यक्तिगत रूप से कैसे घायल हुए थे। विधायक और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने खुलासा किया है कि वे भाजपा द्वारा राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि गांधी परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले को बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं उठता। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि AICC की दिशा कैसी होगी इसे देखने के बाद वह कार्रवाई की घोषणा करेंगे। विधायक और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने खुलासा किया है कि वे भाजपा द्वारा राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि गांधी परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले को बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं उठता। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि AICC की दिशा कैसी होगी इसे देखने के बाद वह कार्रवाई की घोषणा करेंगे। कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि हमारी महत्वाकांक्षा राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने राहुल गांधी को निशाना बनाने में काफी समय लगा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनका खेल नहीं चलेगा। उन्होंने गांधी भवन लोकतंत्र संरक्षण पहल में भाग लेने के बाद विशेष रूप से सिटीविजन से बात की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री और मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि हमारी महत्वाकांक्षा राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने राहुल गांधी को निशाना बनाने में काफी समय लगा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनका खेल नहीं चलेगा। उन्होंने गांधी भवन लोकतंत्र संरक्षण पहल में भाग लेने के बाद विशेष रूप से सिटीविजन से बात की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री और मोदी पर हमला बोला।
टीपीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ता सिंगर रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराकर कांग्रेस को रोका नहीं जा सकता है। नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी देश की जनता के धन की लूट और अनियमितताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। सिंगर रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर सभी नेता एक साथ आ गए हैं। टीपीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ता सिंगर रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराकर कांग्रेस को रोका नहीं जा सकता है। नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी देश की जनता के धन की लूट और अनियमितताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। सिंगर रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर सभी नेता एक साथ आ गए हैं। खैरताबाद की पार्षद विजया रेड्डी ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी और राज्य में बीआरएस पार्टियां लोकतंत्र को नकली बनाने का काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि वे जनता का समर्थन नहीं देख सकते थे। विजया रेड्डी ने कहा है कि आने वाले दिनों में जनता इन दोनों पार्टियों को जानकारी देंगी। खैरताबाद की पार्षद विजया रेड्डी ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी और राज्य में बीआरएस पार्टियां लोकतंत्र को नकली बनाने का काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि वे जनता का समर्थन नहीं देख सकते थे। विजया रेड्डी ने कहा है कि आने वाले दिनों में जनता इन दोनों पार्टियों को जानकारी देंगी। एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर कहीं भी समझौता किए बिना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ तेलंगाना राज्य के किसानों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आईकेए विधायक माधोराम कृष्ण राव के नेतृत्व में कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र का काफी विकास हुआ है और साथ ही वह लंबित मुद्दों को सीएम केसीआर के ध्यान में लाएंगे और उन्हें पूरा करेंगे। एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर कहीं भी समझौता किए बिना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ तेलंगाना राज्य के किसानों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आईकेए विधायक माधोराम कृष्ण राव के नेतृत्व में कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र का काफी विकास हुआ है और साथ ही वह लंबित मुद्दों को सीएम केसीआर के ध्यान में लाएंगे और उन्हें पूरा करेंगे। कुक्कड़पल्ली विधायक माधवराम ने सवाल किया है कि क्या सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी ने तेलंगाना राज्य में कहीं भी एक भी मंदिर का निर्माण किया है। विधायक ने कहा है कि यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और इसी तरह कुक्कड़पल्ली में 450 साल के इतिहास वाले राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। उन्होंने कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की समन्वय सभा बैठक में भाग लिया। तेलंगाना राज्य बनने के बाद इन 9 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में गरीबों के लिए किसानों को कई कल्याणकारी योजनाएं देने के अलावा केसीआर अकेले ऐसे सीएम है जो एक गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए लाखों रुपए की सौगात दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या ऐसी कोई योजना भाजपा शासित राज्यों में पेश की जा रही है। बीआरएस के सभी जवानों ने मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा शुरू की गई योजनाओं से सभी को अवगत कराने और यह बताने के लिए भी बुलाया है कि तेलंगाना राज्य कभी क्या और अब क्या कैसा है। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के वनस्थलीपुरम मंडल में बीआरएस पार्टी की आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने शिरकत की है। इस मौके पर सुधीर रेड्डी ने कहा है कि एलबी नगर विकास में सबसे आगे है। उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में एलबी नगर में फिर से बीआरएस का झंडा फहराएगा। उन्होंने कहा है कि सभी मॉडलों में समिति के कई पदों पर कार्यरत सभी लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यक्रम में शामिल हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में सीआईटी जांच जारी है। एसआईटी ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी प्रवीण राजशेखर दक्किया नाइक और राजेश्वर को चंचलगुड़ा जेल में एसआईटी कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी 28 मार्च तक एसआईटी की हिरासत में रहेंगे। एसआईटी इनसे 6 दिन पहले ही पूछताछ कर चुकी है। नामपली अदालत ने इसी मामले में आरोपी शमीम, रमेश और सुरेश की हिरासत याचिका को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। इस मामले में पूर्व में जिन जनप्रतिनिधियों को नोटिस मिले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी से पहले ही पूछताछ कर चुकी एसआईटी ने भाजपा तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को 2 नोटिस जारी किए हैं, लेकिन बंडी संजय की जगह उनकी कानूनी टीम स्पष्टीकरण देने के लिए एसआईटी की सुनवाई में शामिल हुई। एसआईटी ग्रुप 1 में क्वालिफाई करने वाले कुछ और उम्मीदवारों से भी पूछताछ कर रही है। कुछ को पहले से ही योग्य है
उनका विवरण एकत्र किया गया है और फोन पर पूछताछ की गई है। 100 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने रविवार 19 मार्च को भी अभियान जारी रखा। पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ शनिवार यानी 18 मार्च को कार्रवाई शुरू की थी। आइए जानते हैं कि अमृतपाल सिंह कौन है। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह का जन्म गांव जुलपुर खेड़ा जिला अमृतसर में साल 1993 में हुआ था। वह तरसीम सिंह का बेटा है। अमृतपाल 19 साल की उम्र में ही 2012 में काम करने के लिए पंजाब से दुबई गया। वह 10 साल यानी 2022 तक दुबई में ही रहा। इस दौरान उसके सिर पर ना केश थे ना ही चेहरे पर दाढ़ी। अमृतपाल सिंह के चाचा का दुबई में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था। अमृतपाल किसान आंदोलन के दौरान दीप सिंधु के साथ दिल्ली बॉर्डर पर आया था। वह अगस्त 2022 में दुबई से भारत आ गया। उसने दोबारा कैश रख कर सितंबर 2022 में दस्ताबंदी की और मोगा के गांव रोडे में दस्तारबंदी का बड़ा कार्यक्रम किया और दीप सिंधु की संस्था वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन गया। यही नहीं, अमृतपाल ने पंजाब में धार्मिक यात्रा चलाई और वह युवाओं को अमृत छाकने लगा और खालिस्तान के नाम पर ग्रामीण युवाओं को जोड़ने लगा। अमृतपाल सिंह का 15 फरवरी 2023 को फेसबुक पोस्ट को लेकर वीरेंद्र सिंह से झगड़ा हो गया और 16 फरवरी 2023 को अंजनाला में FIR दर्ज हो गई। अमृतपाल और उसके साथियों पर वीरेंद्र सिंह को अगवा कर टॉर्चर करने का आरोप लगा है। 16 फरवरी को अमृतपाल ने अंजनाला थाना घेरने का अल्टीमेटम दिया है। फरवरी को अमृतपाल का साथी लवप्रीत उर्फ तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना घेरने में लोगों के न आने के कारण 18 मार्च का घेराव प्रदर्शन टल गया। इसके बाद अमृतपाल 19 फरवरी को मोगा में दीप सिंधु के बरसी कार्यक्रम में पहुंचा और मंच से खालिस्तान की हिमायत की, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे और 23 फरवरी को मारपीट केस में अंजनाला थाना घेरने की कॉल दी। फरवरी की दोपहर को अमृतपाल अंजनाला थाने के बाहर भीड़ के साथ पहुंचा। पुलिस बैरिकेडिंग के पास जाकर अमृतपाल के साथ आई भीड़ उग्र हो गई और पुलिस से टकराव के बाद भीड़ ने थाने पर कब्जा कर लिया। इसमें एक SP रैंक के अधिकारी समेत 6 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई है। दरअसल अमृतपाल का पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साथ होने के कारण पुलिस ने सख्ती नहीं की है। अमृतपाल और उसके समर्थक 5 घंटे तक थाने में जमे रहे। पुलिस ने अमृतपाल के साथ ही लवप्रीत तूफान को 24 घंटे में छोड़ने का वादा किया। तब जाकर देर शाम अमृतपाल और भीड़ ने थाना खाली किया। फरवरी को पुलिस ने लवप्रीत तूफान को अमृतसर जेल से रिहा करवाया और लवप्रीत के साथ अमृतपाल ने स्वर्ण मंदिर तक पंक्ति जुलूस निकाला। अमृतपाल सिंह के खिलाफ अब तक 4 केस दर्ज हो चुके हैं जिसमें अंजनाला ने वरिंदर सिंह को अगवा कर मारपीट करने का आरोप अमृतसर में 15 फरवरी को प्रधानमंत्री गृह मंत्री और CM के खिलाफ हेट स्पीच, मोगा में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप अंजनाला में हिंसा और थाने पर कब्जे के लिए पुलिस वालों को जख्मी करने के केस शामिल हैं। अमृतपाल सिंह के दबदबे का अंदाजा से ही लगाया जा सकता है कि पंजाब पुलिस ने अंजनाला हिंसा के बाद अमृतपाल के खिलाफ दर्ज इन मामलों को आज तक सार्वजनिक नहीं होने दिया, क्योंकि अमृतपाल ने 23 फरवरी को DGP को खुला चैलेंज किया था कि अगर अब दोबारा कोई केस दर्ज किया तो वो फिर प्रदर्शन करने आएगा और इसके नतीजे की जिम्मेदार पुलिस होगी। पुलिस ने इन केसों को दबाकर अमृतपाल पर शिकंजा कसने का इंतजार कर रही है।